हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। एक्चुअली इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था इसी से रिलेटेड कि सब डोमेन होता क्या है। एक्चुअली प्राइमरी डोमेन के ऊपर आप सब डोमेन लगा सकते हैं अगर आपको उस तरह से फैसिलिटी मिलता है आपके कंट्रोल पैनल में। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने बनाए थे इससे पहले, अगर उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो मोटा मोटी स्लाइटली डिफरेंस है इस वीडियो और उस वीडियो में। उसका हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे जिसमें हमने ये बताया था कि एक्चुअली डोमेन क्या और सब डोमेन क्या है। सब डोमेन में भी आप वर्डप्रेस सीएमएस को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको वेबसाइट के शक्ल में आप उसको तब्दील कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में भी कि इसमें हम लोग सब डोमेन जो है वो किस तरह से इंस्टॉल करेंगे अपने प्राइमरी डोमेन का यूज़ करते हुए, और किस तरह से हम सब डोमेन में इंस्टॉल करने के बाद उसमें हम SSL सर्टिफिकेट, जो सिक्योर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट होता है आपका एड्रेस बार में, उसको हम लोग इनक्रिप्ट करेंगे अगर फैसिलिटी मिलता है तो आपके सी पैनल में। और फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से और भी डैशबोर्ड में क्या क्या चीज हम लोग करेंगे। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने सी पैनल में लॉगिंग हो जाइए। सी पैनल में लॉगिंग होने के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला होगा जब भी आप इसको बाय किए होंगे। तो सी पैनल में लॉगिंग होने के बाद डैशबोर्ड में आप नीचे के तरफ स्क्रॉल करते हुए आप जब आइएगा तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। उन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन है डोमेन का। इसमें आपको बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। अब यहाँ से हमको सब डोमेन एक्चुअली ऐड करना है तो यहाँ क्लिक करते हैं और सब डोमेन का नाम लिखते हैं। तो चलिए हमने डेमो का नाम से एक सपोर्टिव डोमेन बनाते हैं और यहाँ पर प्राइमरी डोमेन अप्रिशिएट जोन डॉट कॉम को हम ले लेते हैं। देखिए नीचे में ऑलरेडी हमारा सब डोमेन बना हुआ है, क्रिएट को पर क्लिक करते हैं। ये थोड़े ही टाइम में ये वाला हो जाएगा और देखिए नीचे में आपको डोमेन डॉट अप्रिशिएट जोन डॉट कॉम के नाम से आपका सब डोमेन आ गया है। तो ये हमारा सब डोमेन तो क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अब हम इस सब डोमेन को यूज़ करते हुए इसमें हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। उसी का नीचे में आपको वर्डप्रेस का ऑप्शन मिल जाता है, गो बैक होइएगा। तो देखिए इसमें हमको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। चलिए इंस्टॉल में क्लिक करते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पारी पारी से आप कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर ही जो देखिए HTTPS है या HTTPW कुछ भी हो सकता है, जो भी है आप उसको पहले लिख लीजिए और यहाँ से डायरेक्टरी को हटा दीजिए WP डायरेक्टरी को। और यहाँ पर ये अपना साइट का नाम वगैरह लिखना है लिखिए और पासवर्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ कीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन वगैरह होता है। और एडमिन ईमेल में आप अपना जीमेल का भी ईमेल डाल सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेता है। यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इतना लैंग्वेज को वर्डप्रेस सपोर्ट करता है। नीचे में जाके आपको इंस्टॉल करना है। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर एक शो का और हाइट का बटन मिलता है, इसको फिर क्लिक करके आप देख लीजिए आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। चलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तो दिखाई रहा है, इंस्टॉल में क्लिक करते हैं। यहाँ से 2 से 3 मिनट आपको लगेगा, ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में है इसलिए जल्दी जल्दी हो जा रहा है। तो चलिए हमारा यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपको दो लिंक मिल जाता है, एक आपका फ्रंट एंड है और एक आपका बैक एंड का है। तो फ्रंट एंड में चल के हम देख लेते हैं। इस तरह से हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया। अब बहुत ऐसा चीज़ है जो हमको इसमें जाके करना पड़ता है डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो हम सिक्योरिटी में चलते हैं। इसको HTTPS में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए HTTPS क्या था, जब हम लोग फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल कर रहे थे यहाँ पर HTTPS है और HTTP था। तो HTTPS जो होता है वो सिक्योर रहता है एक्चुअली, उसी को हम लोग इनक्रिप्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ से लेट्स इनक्रिप्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं और इसको हम इनक्रिप्ट करके अपना एड्रेस बार में आप जब देखिएगा यहाँ पर फिलहाल नॉट सिक्योर दिखा रहा है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर ही WP दे के हम डैशबोर्ड में चलते हैं। डैशबोर्ड में लॉगिन करिए, जो आप यूज़र नेम पासवर्ड दिए हैं ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर ही आपका देखिए ऊपर है वर्जन दिखा रहा है, नीचे में आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट है वो दिखा रहा है। व्यू साइट में हम जाते हैं, देख लीजिए हमारे कुछ इस तरह से साइट दिखने वाला है, लेकिन हमको इसके ऊपर थीम लगाना है जो पसंद नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट थीम हमारा कुछ अपने आप ले लेता है, लेकिन हमको यहाँ से पॉपुलर में जाके फ्री जो थीम है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम ओसिन WP लेते हैं और इसको हम लोग इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेते हैं। ये हमारा एक्टिवेट हो गया। कुछ प्लगइन्स आपको मिलता है जो फंक्शनलिटी को और ज़्यादा अच्छा बनाता है, तो प्लगइन को भी इस थीम के साथ आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सब डैशबोर्ड में ही काम हो रहा है।
अब ये वाला चीज हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, पहले का पेज कुछ इस तरह से था, अभी रिफ्रेश करने के बाद ये पेज कुछ इस तरह से हमारे सामने आता है। अब इसमें हमको थीम तो आ गया है, अब हमको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में जाके बहुत सारा डिजाइनिंग करना है, उसको लिए हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं और यहाँ से हम एडिट थीम में जाके डिफरेंट डिफरेंट तरीका से हम इसको सुधार सकते हैं। यहाँ पर ही हमको निक नेम क्या शो करना है फ्रंट एंड में, जो बंदा फ्रंट एंड में दिखेगा उसको हमारा नाम किस तरह से दिखेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पर ये निक नेम क्या है और डिस्प्ले नेम क्या है, यही आपको फ्रंट एंड में दिखने वाला है। तो चलिए यहाँ पर जो भी आपको लगाना है लगा लीजिए, पिक्चर वगैरह यहाँ से आप थीम को चेंज कर सकते हैं। ये हमारा वर्जन 5.0.1 है, जैसे इसे अपडेट होगा आपको डैशबोर्ड में ही मिल जाएगा अपडेट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए और क्या चीज़ है, यहाँ से हम पोस्ट में चलते हैं। देखिए ऑल पोस्ट है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट हमारा आया है, ये कुछ इस तरह से पोस्ट आपको दिखेगा। ये एक्चुअली 5.0.1 वर्जन में इस तरह से आपको ब्लॉकिंग वाला ब्लॉक वाला पोस्ट आपको आता है, जो SEO पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो इसको क्लासिक व्यू में भी चेंज कर सकते हैं, फिलहाल हमारा ये वर्जन दिखा रहा है। यहाँ से हम लॉग आउट सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड और भी एक वीडियो आने वाला है और इसका सीरीज हमारा पूरा मिल जाएगा आपको हमारे ही चैनल में। ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वर्डप्रेस ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप बोल के, उसको भी आप देखिएगा, तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर हमने बात किया है, आप आराम से उसको देख के आसानी से सीख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर।